आ गए कंट्रोवर्सी का तमाशा देखने, हैं? जहां यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, वहां सबसे पहले पहुंचेंगे हम। आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हमारा ओपिनियन जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना। कैसे है भाई, क्या खबर है? और यूट्यूब देखा कि नहीं देखा है? टिकटॉक और यूट्यूब वाले ने तो बरोबर की झगड़ा इतना हो रहा है कि सबकी भजा डाली है। और कैरी मीनाक्षी है, उसे तो टिकटॉक वाले की ऐसी भजा डाली है जैसे कि पूछो ही मत। ए ध्रुव इधर आ। हां हां, ओए भागवत, क्या मैंने सुना है भागवत आई है तो यूट्यूब और टिकटॉक और कथा चल रही है और सुना है मैंने कि बाबा आए हैं तो कैरी बाबा आए तो बहुत अच्छा चल रहा है कथा। हां कथा भागवत कथा। अरे तूने देखा क्या, कैरी मीनाक्षी की वीडियो डिलीट हो गई यूट्यूब से। अरे वो तो कुछ भी नहीं, ट्रेंडिंग नंबर वन यूट्यूब पे देख, टिकटॉकर है आजकल। ओ भाई मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे भी मारो भाई। कैरी की वीडियो वापस लाओ, कैरी की वीडियो वापस लाओ। मित्रों लॉकडाउन तो चलता रहेगा लेकिन आज हम बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। कैरी की वीडियो के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ मैं उस वीडियो को वापस ले आऊंगा। मोदी जी भी यूट्यूब टिकटॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बिक गई है ये गवर्नमेंट भी। देसी सूं गवार नहीं, आजा कभी हमारे प्लॉट पर, ट्रैक्टर पे बिठा के डुक डुक कराऊं सूं, नेवर जज टू क्विकली। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है यो, तुम्हारे गांव का छोरा से बावड़ी पूछ। आजा तुझे आसमान में ले चलूं, चांद को उसकी औकात दिखाने। अरे इसको क्या हुआ, पागल भी तो लोग हैं क्या? पागल है, उठा उठा इसको, उठा इसको, उठा लेके चल। Yes, baby. बोलो। मुझे मेरी स्कर्ट नहीं मिल रही यार, पता नहीं किसने चुरा ली है। Hashtag skirt, skirt, skirt. सुनो बेबी, मैंने तुम्हारी कोई स्कर्ट नहीं छुपाई है और ना ही मैं कोई स्कर्ट पहनता हूँ और ना ही मैंने अपने इंस्टाग्राम के नीचे कुछ भी हैशटैग स्कर्ट करके लिखा था और ना ही मैंने कुछ एडिट भी किया है उसमें से। ये स्कर्ट 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 बोल के मेरे दिमाग की दही मत बना दो। ए श्याम। हाँ वो मैंने ना न्यूज़पेपर का बंडल बना दिया है, वो जाके बेच दे रद्दी वाले को। ऊपर से लेके नीचे के बंडलों में पिकते हो तुम। बंडल? हाँ। नहीं 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 नहीं, आपने अभी मुझे बस बंडल कहा ना, देखो देखो पापा वो बोलेगा चलेगा, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। मैं बंडल में नहीं बिकता हूँ, मेरा खुद का कुछ वैल्यू है। आप मम्मी मुझे बंडल 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 नहीं बोल सकते, मेरी खुद की इज्जत है यार, क्या बंडल बंडल लगा रखा है। क्या पागल जैसी कुछ भी बात कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बकते रहते। अरे पापा वो पेड़े कहाँ मिलते हैं? नीचे नीचे मिठाई की दुकान है ना, उसमें 200 रुपए में बिक रहे होंगे। साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जा। आपका भी बोलने का मतलब यही है ना कि मैं मिठाई की दुकान पे 200 रुपए में बिक रहा है ना? अरे थोड़ी तो इज्जत कर लो यार पापा, 25 साल से मैंने आपको पापा बोला है, मेरे को पेड़े से कंपेयर किया, एटलीस्ट गुलाब जामुन से कंपेयर करो, मिष्टी दोई से कंपेयर करो और काजू कतरी से कंपेयर कर देते यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो मेरी। जिसने मुझे मिठाई से कंपेयर किया ना साला, सबको शुगर हो जाना चाहिए, सबको डायबिटीज हो जाना चाहिए, सब लोग साले फिर शुरू हो गया। तुम क्या बके जा रहा है पागल की तरह? अरे वो मैं पेड़ा लेके आता हूँ। न्यूज पंचो में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आते हुए कि गूगल ने बंद कर दिया है यूट्यूब। जी हाँ आपने सही सुना, यूट्यूब हो चुका है बंद। अब पता नहीं यूट्यूबर्स का क्या होगा, वो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे अपना पेट भरेंगे। आइए देखते हैं यूट्यूबर के घर पे क्या हाल चल रहा है। अरे अभी मैं कहाँ जॉब करूंगा, मैं क्या करूंगा यार। ये एक काम करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए किसी प्रोडक्शन हाउस में ना जॉब के लिए अप्लाई कर देता हूँ। इसमें कुछ स्क्रिप्ट तो लिखना आता है एटलीस्ट, थैंक गॉड। मैं सिनेमाटोग्राफी के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, एडिटिंग एंड एक्टिंग। भाई मैं न्यू सोचू हूँ कि लोग ने देसी भाषा में बोल के देसी भाषा सिखाना शुरू कर दूं। इंडिया यूट्यूब में देसी भाषा चल रहा है, समझ गया। पंचो न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर आते हुए कि टिकटॉक हो चुका है बंद।
कैरी मिनाटी के वीडियो ने जो प्रेशर क्रिएट किया है टिकटॉक के फाउंडर ने शर्मिंदा होकर टिकटॉक को बंद कर दिया है। आइए देखते हैं टिकटॉकर्स के घर पे क्या चल रहा है। अरे टिकटॉक बंद हो गया यार साला, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास कोई जॉब भी नहीं है। हाँ हम लोग ना ये पाउडर उड़ाने का जॉब करेंगे। लेकिन पाउडर उड़ाने का तो कोई जॉब ही नहीं होता। ऐसी किक मारने की जॉब करूंगा। एक मिनट, ऐसी कोई जॉब होती भी है क्या? ऐसे कपड़े चेंज करने की जॉब करूंगा। एक मिनट, अरे ऐसी भी कोई जॉब नहीं होती यार, क्या करेंगे लोग टिकटॉकर्स, कुछ नहीं है घर में। वो टिकटॉक के बंद होने के बाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी का आंकड़ा आसमान छू रहा है। लाखों टिकटॉकर आज अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। 70-80% टिकटॉकर्स को आज काम नहीं मिल रहा है, लेकिन 20-30% टिकटॉकर्स जिन्होंने कुछ सीखा है, जिन्हें कुछ भी क्रिएटिविटी आती है, आज उन्हें काम मिल चुका है। जी हाँ, यूट्यूबर्स ने उन्हें अपने पास काम में रख लिया है एज एन इंटर्नशिप। आज वो झाड़ू पोछा स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं यूट्यूबर्स के पास। तो इससे हमें यही सीखने मिलता है कि हम जो भी काम करें ध्यान रखें कि हमें उससे कुछ सीखने मिल रहा हो, कुछ भी आर्ट हो, कुछ भी स्किल हो। इसी प्रकार मैं आज न्यूज चैनल छोड़ रहा हूँ, बिकॉज यहाँ घंटा सीखने मिल रहा है, नहीं करना है मेरे को काम इधर। तुम लोग क्या बोले थे, हम लोग क्रिंज कंटेंट बनाते ना? तुम लोग कैसा कंटेंट बनाते हो, खुद का कंटेंट देखा है साला? अच्छा कंटेंट है, ह्यूमरस विच गिव्स वैल्यू, ऐसा कंटेंट बना के व्यूज ला तो शर्म आता है। अरे साला अच्छा कंटेंट बना के तो कोई भी व्यूज ला सकता है, उसमें नया बात क्या है? मैं अच्छा बनाऊं तो मेरे को भी व्यूज आएगा। पर हम लोग कुछ अलग करते हैं, हम लोग क्रिंज कंटेंट बना के व्यूज लाते हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी है। ओ शिट, ये क्या बोल दिया मैंने, रोस्ट करना था यार, मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ? तुमने हमें क्या कहा, छक्को? अगर हम छक्के तो फिर तुम क्या हो, तुम चलो पंजो सत्तो अट्ठो और तुम चौको भी, तुम चारो चौको पंजो सत्तो और अट्ठो। अगर हमें छक्को बोल के तुम हम पे वीडियो बना रहे हो तो तुम क्या हुए, तुम तो छक्को इंटू सौ हुए ना, छक्को सौ। और तुम लोग क्या बोले थे, हम लोग कंटेंट कॉपी करते हैं। तुम लोग क्या करते हो सालो, एक यूट्यूबर ओरिजिनल कंटेंट बनाता है, फिर दूसरा यूट्यूबर उसको देख के वो भी उसका ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। मतलब किया ना कॉपी स्टाइल, इसने ओरिजिनल फिर इसने ओरिजिनल कॉपी किया ना, कॉपी किया ना। अबे तेरे को रोस्ट करने बोला था, उनकी तारीफ करके सत्यानाश क्यों कर रहा है? नहीं आता मेरे को रोस्ट यार, अभी उन लोग मेरी और मारेंगे। अरे तुम हमारे इन कीमती बालों का मजाक उड़ाते हो, कहते हो कि हमारे बाल कलर्ड है, हमारे बाल ऐसे है। अगर हमारे बाल ऐसे तो तुम्हारे बाल तो, बाल तो नॉर्मल ही है, इनके बाल तो इंसान जैसे ही है, क्या करूं। हाँ तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है बाल कटाने के लिए, कलर का कराओगे तुम? वो देखो तुम्हारे यूट्यूबर्स भुवन आशीष और आरजे अभिनव, इतने लंबे लंबे बाल लेके बैठे, पहले पैसे जमा करके बाल कटाओ फिर कलर कराना, हम जैसे थोड़े पैसे कमाओ व्यूज लाके वीडियो बना के। सालो तुम शाम, हाँ नीचे फ्रूट वाला आया हुआ है, कैरी बेच रहा है, लेनी है? पापा पापा प्लीज कोई भी फ्रूट ले लो, लेकिन कैरी घर पे मत लेके आना, कैरी ना को, कैरी ना को, मैंगोस ले आओ, कैरी मत लाओ यार प्लीज, कैरी नहीं, कैरी नहीं। हेलो, कैसा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक टाइटल में देख के फटफट कैसा अटकाया? एनीवेज गाइस, ये टिकटॉक और यूट्यूब का सीन बहुत बड़ा हो रहा है, एंड हम लोग ने ये वीडियो जो बनाया है इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म टिकटॉक, वी डोंट रिस्पेक्ट टिकटॉकर्स, वी रिस्पेक्ट देम। येस, हम लोग ने पहले भी कॉमेडी वीडियोज बनाई है टिकटॉक पे, टिकटॉक को ट्रोल किया है, एंड मतलब तुम लोग भी अगर रोस्ट कर रहे हो या कोई वीडियो बना रहे हो तो कॉमेडी वे में करो रोस्ट, पर एक लाइन क्रॉस मत करो, मतलब छक्का बोलना, मीठा बोलना, ये सब गलत है। मतलब तुम्हारे ये सब बोलने से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो रहे और सारे टिकटॉकर्स को ये सब बोल रहे, जो बहुत गलत है। मतलब तुम लोग ने बोलना नहीं चाहा पर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे, बंद कर दो यार ये नेगेटिविटी, बंद कर दो। मतलब करो कॉमेडी करो, पर नेगेटिव मत करो, हेट मत करो प्लीज। देखो बच्ची लोग, ये जो भी सिचुएशन है ना वो सब सिर्फ एक वर्ड के वजह से, दैट इज क्रिंज वर्ड। लेट मी टेल यू दिस, क्रिंज इज वेरी सब्जेक्टिव। जो मेरे लिए क्रिंज है वो शायद आपके लिए क्रिंज नहीं है। आपको वो देखना पसंद आएगा लेकिन मेरे को वो देखना नहीं पसंद, तो वो मेरे लिए क्रिंज है। तो व्हाट आई हैव टू डू कि मेरे को मेरा अपना क्रिंज का ओपिनियन है वो तुम्हारे पे नहीं ठोपना है। तुम्हें जो देखना है देखो, वो तुम्हारा चॉइस है। लेट मी टेल यू दिस, मेरे पापा जब काम करके आते हैं रात को सोने से पहले, ही लेजिट ओपन्स टिकटॉक ऐप एंड वो एक घंटा स्क्रोल करते रहते हैं। वो वही वीडियोस देखते हैं, लिप सिंकिंग हुआ, ट्रांजिशन हुआ और डांस वीडियोस हुआ। उनके लिए वो क्रिंज नहीं है, उनके लिए वो एंटरटेनमेंट है।
जो मेरे लिए क्रिंज है मैं नहीं देखता। तो मेरा ओपिनियन ये कि मैं नहीं देखूंगा, मेरे पापा का ओपिनियन है, उन्हें देखना है, उन्हें एंटरटेनमेंट मिलता है। तो मैं मेरे पापा को नहीं बोलूंगा कि आप मत देखो। अनदर एग्जांपल, अभी मैं मेरे पापा को अगर कैरी मिनाते की वीडियो दिखाऊंगा जिसमें गाली है, तो मेरे पापा वो वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो मेरे पापा के लिए क्रिंज होगा जो मेरे लिए नहीं है। तो मैं जबरदस्ती पापा को नहीं बोलूंगा कि नहीं आप ये वीडियो देखो, आप टिकटॉक मत देखो। क्यों? तो वही चीज हो रही है, प्रॉब्लम यही है कि लोग क्रिंज 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 बोल के आपके दिमाग में डाल दिया है कि ये वीडियो क्रिंज है, ये मत देखो। अरे नहीं यार, सबका अपना अपना ओपिनियन है। देखो गाइस, सीधी सादी बात है, मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ, फंचो भी बनाता है, बट सुनो ये बात अच्छे से, हमारे लिए जो क्रिंज है, जो ट्रांजिशन है, जो लिप सिंकिंग है, हम लोग वो नहीं बनाते, हम लोग वो नहीं करते, हमको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सो एज अ क्रिएटर वी रिस्पेक्ट एवरी प्लेटफॉर्म, एज अ क्रिएटर व्हाट वी डू, हम लोग उसमें अपना क्रिएटिविटी डालते हैं। और मैं वही बोलूंगा, जो भी अगर आप क्रिएटर्स लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको कुछ क्रिंज लग रहा है तो अपना क्रिएटिविटी डालो उसमें, फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। भाई लोगों के 5-5, 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बनाने के बाद, तो हमने भी बना दी। अब शायद हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए, शायद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो आज सब्सक्राइब कर देंगे, शायद लगता तो है लोग लाइक भी कर देंगे वीडियो को, कमेंट्स तो आने वाले, वो बोलने की जरूरत नहीं तो सब्सक्राइब करो, बेसिकली आई मीन टू से सब्सक्राइब आवर चैनल। और भाई लोगों ने वो एंगेजमेंट वर्ड उठा कि कितना इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा लिए, कि हम यूट्यूबर है, दिखाओ एंगेजमेंट का पावर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो हमें भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, दिखाओ एंगेजमेंट का पावर, हमें भी फायदा दो, लोग फायदा उठा रहे तो करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फटाफट। बच गैंग